मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम, दादादेव कॉलोनी सेक्टर 7 द्वारका में रहता हूँ। 5 तारीख को मैं गिरा और गिरने की वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी में क्रैक हो गई है और हम डॉक्टर सर्च कर रहे थे कि द्वारका में बेस्ट डॉक्टर कौन है। गूगल पे हमने सर्च किया, पता चला कि डॉक्टर हमजा शेख बेस्ट डॉक्टर अस्पताल मणिपाल में हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिया और हमने उनसे संपर्क किया। डॉक्टर साहब ने हमें अपॉइंटमेंट दिया और हम मणिपाल आए। इतने अच्छे डॉक्टर, बिहेवियर इतना अच्छा है उनका। आए और आने के बाद में उन्होंने हमारे कुछ टेस्ट थे वो चेक किए और तुरंत डिसीजन लिया ऑपरेशन होना है आपका। और ऑपरेशन से पहले ही डॉक्टर साहब ने बोल दिया, देखिए कितना कॉन्फिडेंस है उनको अपने आप पर, कि 4 घंटे में आप चल कर जाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने बोला था कि आप अपने घर खुद चल के जाएंगे। ठीक ऐसा ही हुआ, मैं अपने रूम से नीचे तक उतर के चल कर गया और घर भी पैदल चल कर गया। मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर हमजा शेख हॉस्पिटल मणिपाल सेक्टर 1 में बैठते हैं, प्लीज उनको दिखाएं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। ये पेशेंट मोहम्मद इस्लाम मेरे पास इमरजेंसी में 5:30 बजे करीब आए थे और ये 2 दिन पहले घर में गिर गए थे और इनको सीवियर बैक पेन था। घर के आसपास से इन्होंने पेन मैनेजमेंट करा के देखा, इनका पेन इम्प्रूव नहीं हो रहा था। MRI हमने करवाई, उसमें फ्रैक्चर आया L1 का। बेसिकली ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर था और इनके दर्द को देखते हुए और जो ठीक नहीं हो रहा था नॉर्मली IV NL जैसे क्या IV दवाई लगाने से भी, तो इनको मैंने मिनिमली इन्वेसिव स्पाइन सर्जरी के बारे में बताया जिसके अंदर बिना कोई कट लगाए हम फ्रैक्चर वर्टिब्रा में सीमेंट डालते हैं जिससे तुरंत पेन इम्प्रूव हो जाता है। और इनको मैंने समझाया, इनके इन्होंने एग्री किया सर्जरी से। तो 5:30 बजे आए थे, हमने रात को 9 बजे सर्जरी करी, आधे घंटे की मुश्किल से सर्जरी थी और उसके बाद 3-4 घंटे के अंदर उनका पेन इम्प्रूव हो गया और वो चलने लायक हो गए। ये पेशेंट इतने खुश हैं कि 4 घंटे के अंदर ही इनकी पेन इतना इम्प्रूव हो गया और आज ये मॉर्निंग में वापस घर पर जा रहे हैं। ये काफ़ी अच्छा इनका रिस्पॉन्स है। नॉर्मली वर्टिब्रोप्लास्टी और काइफोप्लास्टी में तुरंत पेन इम्प्रूव होता है, पेशेंट जो बेड रिडन भी होता है वो चलने लायक इम्प्रूवमेंट आ जाती है उसमें।